पाऊसा तुला देते पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं ऐसी पोयम क्यों गा रही हूँ, तो आपने बचपन में सुनी होगी। क्योंकि जमात चहम का जो सबक है गारिया गारिया बिंदोरा मराठी सब्जेक्ट का, हमको बच्चों को पूरे सुर ताल के साथ में समझाना है। कारण मराठीतला हा धडा गारा गारा भिंगोऱ्या विद्यार्थ्यांना आपल्याला सुर ताळात समजून सांगायचा आहे। परत विद्यार्थ्यांमध्ये गट कार्यकरांची भावना वाढवायचा आहे, जेणेकरून फक्त त्यांचा भाषिक विकास होणार नाही तर त्यांचा सामाजिक विकास ही होईल। इसी के साथ साथ हमें बच्चों को सिर्फ जबान की तरक्की नहीं कराना है बल्कि उनकी सामाजिक तरक्की भी हो, इसलिए हम बच्चों को ग्रुप काम करने की यहाँ पर एक सरगर्मी देंगे। अजून कवितेत आलेले नवीन काही जे शब्द आहे नादमय शब्द ते ही आपण त्यांना समजून सांगू, जसे की टपटप पटपट घडघड चमचम। इसी के साथ साथ नजम में आने वाले नए जो अल्फाज हैं हम वो भी बच्चों को यहाँ पर समझाते हैं। कारण हा जे कविता आहे ते पावसाळ्यावर आहे, तर आपण पावसाळ्यामध्ये होणारे जे काही घटना आहे तेही विद्यार्थ्यांना समजावून सांगू। क्योंकि ये नजम हमारी बारिश पर मुनसिब है, इसलिए हम बच्चों को बारिश में होने वाले अलग 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 मनोरंजन के बारे में यहाँ पर हम उन्हें समझाएंगे। तो चला सब खेड़ शुरू करूया। हाँ कविता गारा गारा भिंगोरा, तो चलो हंसते खेलते बच्चों को पढ़ाते शुरू करते हैं ये नज़म गारा गारा भिंगोरा।